लोकसभा चूंटणी 2024 ना चौथा तबक्का माटे मतदान थई रह्युं छे। हैदराबाद लोकसभा बैठक ना भाजप उम्मीदवार माधवी लत्ता ने लईने नवो विवाद सामे आव्यो छे। हैदराबाद में एक बूथ पर मुस्लिम महिलाओं ना आईडी कार्ड चेक करता माधवी लत्ता सामे केस नोंधायो छे। माधवी लत्ता विरुद्ध मलकपेट पोलीस स्टेशन में आईपीसी अने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम हेठळ केस नोंधवामां आव्यो छे। भाजपना उम्मीदवार माधवी लत्तानो एक वीडियो सोशियल मीडिया पर वायरल थई रह्यो छे। आ वीडियोमां ते पोलिंग बूथ पर मतदान माटे बैठेली महिलाओना वोटर आईडी चेक करती जोवा मळे छे। आ दरमियान माधवी लत्ता महिलाओने तेमना बुरखा हटावीने पण जोई रह्या छे। आ वीडियो सामे आव्या बाद विवाद उभो थयो छे अने चूंटणी पंचने कार्यवाही करवा माटेनी मांग करवामां आवी छे। जुड़ चुके हैं हैदराबाद के लोकसभा सीट के उम्मीदवार माधवी लता जी के साथ। हैदराबाद को AIIMIM का गढ़ माना जाता है, मैम तो कैसे ले रही हैं आप इस चुनौती को, क्योंकि आपका कोई ऐसा पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है यहाँ पर, तो किस तरीके से आप अपने चुनाव की चुनौतियों का सामना कर रही हैं और किस तरीके से अपनी तैयारी के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे, किस तरीके से तैयार हैं आप अपनी चुनाव? आज तक AIIMIM का गढ़ रहा इसीलिए क्योंकि उनका डर के वजह से बाहर लोग नहीं आ सके, उनके खुद के कौम के लोग भी अब बाहर नहीं आ सके। अब हम जैसे एक एक सच्चाई बाहर निकाल के दिखा रहे हैं और उनकी असलियत का पोल खुल गया है। अभी AIIMIM का गढ़ बिल्कुल ही नहीं है। अब आप देखते रहिए जून 4 तारीख को बीजेपी जीतने का आवाज़ पूरे दुनिया में गूंजेगी। तो मैम आपका क्या कहना है कि जो बीजेपी के लिए वोट है, कि ये वोट्स जो हैं जो जनता आपको देंगी वो आपके लिए देंगी या मोदी जी के चेहरे को देखकर देंगी? क्योंकि AIIMIM के लिए ओवैसी के चेहरे को पहचानते हैं लोग यहाँ, कि ओवैसी को वोट देते हैं तो AIIMIM का वोट जाता है, तो आपका इस पर क्या कहना है? हम और हमारे मोदी जी दो अलग नहीं है। हर भाजपा के जो कंटेस्टेंट है, उम्मीदवार है, वो सब भी मोदी जी है और मोदी जी ये सब भी है। तो हम उनके नेतृत्व में, उनके दायित्व में, हम अपना दायित्व जो है निभाने आगे बढ़े हैं, उनका उद्देश्य लेकर हम आगे बढ़े हैं। तो हम और हमारे मोदी जी दो नहीं है, एक है जी। और ये बीजेपी का जो हाल ही में मैनिफेस्टो आया है मैम, तो उस मैनिफेस्टो के किन स्कीम्स के थ्रू यहाँ की जो माइनॉरिटी है, जो हैदराबाद की एक्चुअल में मेजॉरिटी है, जो मुस्लिम्स हुए हैं यहाँ पर, उनको किस तरीके से हेल्प करेगी? बिल्कुल हम हेल्प करेंगे और जितना उनकी परसेंटेज है उसी परसेंटेज से ही उनको भी उतनी ज़्यादा मदद मिलेगी। क्योंकि आपको ताजुब होगा ये बात सुनकर कि हैदराबाद लोकसभा पार्लियामेंट में मुसलमान की जो जितने भी परसेंटेज जनता है यहाँ पर, उसमें 80% पसमंदे हैं। और इससे भी बड़ी ताजुब की बात जो है, अप्रैल 14 तारीख जो परसों गुजर गई है, दार एस सलाम में अकबरुद्दीन जी कहते हैं कि पसमंदगी किस वजह से है, पसमंदगी उनकी इसके वजह से है कि वो लोग मस्जिद नहीं जाते और अल्लाह को वो स्वयं जाकर नहीं इतना यानी कि प्रे करते हैं। लेकिन मैं अकबरुद्दीन जी से कहना चाहती हूँ, गरीब ज़्यादा मानता है भगवान को, पसमंदे लोग ज़्यादा मानते हैं अल्लाह को। शायद जिनके पेट भरा है, जो 7 एकड़ के जमीन पे मंजिल बना के बैठे हैं, वो कम जाते हैं मस्जिद को, वो कम याद करते हैं अल्लाह को। पसमंदे ज्यादा मानते हैं अल्लाह को, ज्यादा याद करते हैं, मस्जिद को ज्यादा जाते हैं। अकबरुद्दीन का ये जो स्टेटमेंट है कि पसमंदे लोग सिर्फ पसमंदे हैं क्योंकि वो मस्जिद नहीं जाते हैं, अल्लाह को ज्यादा नहीं मानते हैं, वो गलत कहे हैं। उनको ये कहना चाहिए था कि उनकी गलती है कि पसमंदों के लिए उन्हें कुछ किया ही नहीं, ये ना मानते हुए ये भी पसमंदों के ऊपर ही ठोस दिए, उनके ऊपर ही डाल दिए ये जिम्मेदारी भी। तो अकबरुद्दीन जी बैठ के क्या करते, पैसे गिनते रहते हैं, इनका इनका मेहनत का गिनती करते रहते हैं, इनके रोने पर बिल्डिंगा बनाते, ये लोग जाके मस्जिदों में अल्लाह से प्रार्थना करेंगे और उसके मंजिल इन्हों बना लेंगे। थोड़ा तो सोचना चाहिए साहब, एक तो बैरिस्टर है, दूसरे डॉक्टर बनते बनते पता नहीं रुक गए आगे बढ़े, लेकिन इनकी ईमानदारी और मानवता जो दृक्पथा होती है ना, इंसानियत जिसको कहते हैं, वो वहां का वहां रह गया। और मैम ये जो मैनिफेस्टो, जो इस मैनिफेस्टो में जहां पर UCC और वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में बात हुआ, तो उससे कैसे डिफरेंस आएगा, आपको क्या लगता है उसके बारे में? ये लोग जिस तरह से खास करके मुसलमानों में
औरत को कुचल दिए ये लोग। ये सिर्फ फतवे आलमगिरी जो औरंगजेब ने बनाया चंद गमंडी मर्दों को लेकर बैठकर, ये कहीं भी कुरान में नहीं है। लेकिन जो अनपढ़ मुसलमान हैं वो नहीं जानते हैं फतवा आलमगिरी कुरान से नहीं है। ये लोग इसके बलबूते पर औरत को इतना जलील करते हैं, ये लोग इतना जिल्लत देते हैं और उनके पैरों के तले रखना चाहते हैं, जो हम होने नहीं देंगे। और इसी का वजह है मोदी भाई ट्रिपल इंस्टेंट तलाक भी निकालना चाहे और निकाल भी दिए, और UCC भी अपने मुसलमान बहनों को देना चाहते हैं, और हम इसको कायम करेंगे। और क्या मुद्दे होंगे मैम इस बार आपके इलेक्शन के, क्या मुद्दे होंगे जिनको लेकर आप आगे बढ़ रही हैं, मतलब पब्लिक से कनेक्ट करने के लिए कि उनको किस चीज की का फायदा होगा अगर वो आपको चुनते हैं? प्रधानमंत्री आवास योजना, जिसमें पक्के घर बनवाएंगे हम, पारदीवाड़ा लोगों के लिए बनाएंगे हम, अपने SC माला मादिगा भाई बहनों के लिए बनवाएंगे हम, पसमंदे लोगों के लिए बनवाएंगे हम, हर उस गरीब के लिए पक्का घर बनवाएंगे प्रधानमंत्री जी के आवास योजना में। और जो जो रोजी रोटी उन्होंने सेल्फ हेल्प स्कीम से किया है, उसका भी हम यहाँ पे आगे लेके जाएंगे। हर स्त्री को करोड़पति बनाने का जो एक उद्देश्य प्रधानमंत्री जी का है, हम यहाँ पे भी हर स्त्री को एक लखपति, सॉरी हर स्त्री को जो एक लखपति बनाने का उद्देश्य प्रधानमंत्री जी का है, हम हैदराबाद पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी भी हर स्त्री को लखपति बनाने का हर कोशिश हम करेंगे, उसको आगे लेके जाएंगे। बट मैम कांग्रेस का ये कहना है कि BJP ने जो नीचे तबके के लोग हैं उनको इग्नोर करा है, जो छोटे लोग हैं उनको इग्नोर करा है, छोटे कास्ट को इग्नोर करा है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? अगर छोटे कास्ट को इग्नोर करते हैं तो मुर्मू जी प्रधानमंत्री कैसा बनते हैं? लगता है कांग्रेस भैरे ही नहीं अंधे भी हो गए हैं, है नहीं बात सही? अगर छोटे लोगों के लिए मदद नहीं करते तो मुर्मू जी प्रेसिडेंट कैसे बनते? और प्रेसिडेंट बने उन्होंने, देश के कोई छोटे मोटे पे नहीं है, स्त्री, एक स्त्री, दलित स्त्री प्रेसिडेंट बनी है। तो इनको जो ST है, तो इससे हमको पता चलता है कि कांग्रेस को ना पेट में कुजली भी हो रही है और जलन भी हो रही है। वो लोग शायद करंट अफेयर से अपने आप को अपडेट नहीं कर रहे हैं। और मैम यहाँ जो ये बोगस वोट का एलिगेशन था, जिस पर ओवैसी का ये कहना है कि ये ECI की लिस्ट है, ये उनकी लिस्ट नहीं है, इसमें कोई लीडर या कोई बंदा उसमें कोई चेंज नहीं कर सकता, ये जो है वो ECI की लिस्ट है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? GHMC घर घर जाकर वोटर एनरोलमेंट नहीं कराते हैं, ये सारा देश को जानना पड़ेगा। GHMC घर घर जाकर वोटर एनरोलमेंट नहीं कराती है, ये अपने अपने लोकल पार्टीज घर घर जाकर वोटर एनरोलमेंट कराते हैं। तो मुसलमान का एनरोलमेंट वोटर कार्ड कौन करा रहे? अभी तो ये MIM में जाने, तो भूत पिशाच तो नीचे आकर नहीं करवा रहे, क्योंकि अगर आप हिंदू वोट्स देखें तो हमारे पास बोगस वोट्स है ही नहीं, इसलिए हम जहाँ के वहाँ थोड़े थोड़े आगे बढ़ रहे, और जो भी है उसको भी डिलीट करवा दे रहे वो लोग। अगर इतने मुसलमान के वोट्स बढ़े तो ये MIM करवा रहे हैं, बहुत साफ है। नहीं तो GHMs को कहने दीजिए हम करवा रहे, कहने दीजिए स्टेट गवर्नमेंट को ये MIM नहीं करवा रहा है, हम करा रहे पूरे वोटर एनरोलमेंट, तो बता देंगे। तो ये है या वो है चोर।